अब ये दूसरी मेरी सबसे फेवरेट डिश, पकोड़ा भजा, या बहुत जगह बेसने बोलते, बेसन की जो दाल के बनाते हैं प्याज के साथ। इसमें थोड़ा सा आप बेकिंग सोडा डाल दीजिए, जो खाने का सोडा होता है, ये मैंने डाल चुका। थोड़ा ज़्यादा मत डालिए वरना वो ज़्यादा फूल जाते हैं ये। तो चलिए, ये मेरा पेस्ट तैयार हो गया पकौड़ों का। आज बारिश भी अच्छी बारिश हुई है, बहुत तूफान बारिश हुई नागपुर में। आज मौसम भी ठंडा हो गया है, अल्लाह का करम हुआ। मौसम तो वैसे भी ठंडा हो ही रहा है, अल्लाह काफ़ी रहमत बरसा रहा है अपनी रोजदारों पर। तो आज जो बारिश हुई उस वजह से पूरा मौसम ठंडा हो गया, रोजदारों ने बड़ी राहत की सांस ली है। तो चलते हैं पकौड़े बनाने की तरफ। मैंने इसमें तेल डाल दिया हूँ, ये गर्म हो रहा है। ये अभी भी इस वक्त बाहर हल्की हल्की बूंदे, बारीक बूंदाबांदी हो रही है। हाँ, थोड़ा बहुत पानी आ ही रहा है अभी भी मौसम। तो चलिए चलते हैं, तेल गर्म हुआ चाहता है, पूरी तरीके से गर्म हो गया तेल। तो अब ये पकौड़े मैं इसमें छोड़ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया ये प्याज के पकौड़े, जो होटलों में जो मिलते हैं, ये होटल में प्याज के पकौड़े, प्याज के भजे। एक वर्धा रोड पर एक होटल है बुट्टी बूढ़ी के आगे, वहाँ पर अक्सर मैं खाता हूँ ये। अभी कल उधर जाना हुआ तो कोशिश की जाएगी उसी तरह बने ही, और वैसे ना भी बने तो अपने हाथ की बनाई हुई हर चीज़ अच्छी लगती है। ज़्यादा मेरा जोर उसी पर है कि अपने हाथ की चीज़ें तो अच्छी रहती है, तो ज़्यादा मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है अच्छा बनेगा ख़राब बनेगा, मैं उस बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ। एक पीस निकल गई है भजों की, दूसरे पीस मैंने अभी डाला हूँ इसमें। अब ये देखिए किस तरह से बनेंगे, इंशाल्लाह बनेंगे तो अच्छे ही है। पूरा इसको भर दीजिए आप इसको, और बाद में उसको तलने पर छोड़ दीजिए, और बाद में उसको फिर एक एक करके जो पक जाते हैं, जो तल जाते हैं, जो फ्राई हो जाते हैं, उसको एक एक करके आप निकाल सकते हैं उसको इस तरीके से। ये देखिए ये बन गया है, इसको आप निकाल लीजिए, ये बन गया, ये निकाल लीजिए, ये भी बन गया है, बाकी थोड़ा सा रेडिश हो गया है, ये निकाल लीजिए। एक बार इसको आप ऐसा पलटा लीजिए, ये मुझे लग रहा है कि ये बन गया है, इसको निकाल लेंगे हम। और थोड़ा सा एक बार गैस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जगह खाली हो चुकी, थोड़े थोड़े और डाल दीजिए ताकि उसी में बनते रहें, और जो पक जाए उसको आप निकाल सकते हैं। ये मिर्ची ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसके अंदर ये बड़ी मेरी दुश्मन है ये, इसको बाहर फेंक देते हैं इसको, पता नहीं किसने ज़्यादा लगा रही थी मिर्ची। मिर्ची होना चाहिए थोड़ी फीकी वाली, वरना फिर वो अंगार करती है बहुत, हर जगह से। फिर हर जगह से मतलब समझ गया होगा। तो चलिए अब आखिरी किस्त निकलेगी भजों की, अब दो किस्त निकल गई है। और ये थोड़ा सा अगर बेकिंग पाउडर आप डालेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा फूलते हैं ये, और खाने में थोड़ा सा टेस्ट भी आता है। देखिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डाल रहा हूँ, मैंने कितने ये फूल गए हैं ये देखिए, कैमरामैन को बताऊँगा मैं, इधर बताइए ये कितने फूल गए हैं। आखिरी किस्त बची है थोड़ी सी, इसको लास्ट में एक साथ निकाल लेंगे, अभी के जो बचे हैं उसको एक साथ निकाल लेंगे, और आखिर वाली एक साथ निकालेंगे, क्योंकि फिर वो पकने में कम ज़्यादा हो सकते हैं लाल पीले, और कुछ कच्चा भी लग सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से आप इसको फ्राई कर लीजिए। ख्याल रखिएगा कि गैस को धीमा थोड़ा तेज़ करते रहा कीजिए, अगर एकदम ही आप स्लो रखेंगे तो वो कच्चे रह जाते हैं। अभी मैंने काफ़ी देर से धीमी रखी थी तो इसलिए टाइम ले रहे हैं ये, अभी मैंने फुल कर दिया है गैस को। तो ये फिर, और देखिए थोड़े से अब टाइम ले रहे हैं ये,
और मुझे थोड़ा छोटे दागना चाहिए था क्योंकि बेकिंग सोडा की वजह से ये फूल रहे हैं। चलता है कम ज़्यादा, घर की बात है, और भेजने में तो बाहर नहीं भेजने, अड़ोस पड़ोस में जाएंगे। अब तेल गर्म हो रहा है, थोड़ा सा एक आधे मिनट के बाद मैं इसको, आधा मिनट नहीं कुछ सेकंड के बाद इसको मैं कम कर दूंगा ताकि फिर वो जले ना। लीजिए अब इसको कम कर देता मैं, इसको गैस को मैंने अभी कम कर दिया है ताकि ये जले ना। ये अभी ऐसा लग रहा है कि पूरे एक साथ निकालना पड़ेगा मुझे, ये एक साथ इनका कलर हो गया है येलो कलर। अगर ये मेरा पकवान आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, दूसरी बार कोई और डिश बनाऊंगा बनाकर भेजूंगा। अब ये देखिए हो चुके हैं ये पूरे रेडिश, तो इसको निकाल लेंगे इसको। थोड़ा ये थोड़े बड़े हो गए हैं, ये थोड़ा छोटा डालना चाहिए था मुझे, नेक्स्ट टाइम इसको इस साइज का होना चाहिए, ये साइज जो दिख रही है साइज, ताकि अंदर कच्चा भी नहीं रहते हैं। बड़े अगर हो जाए तो अंदर से पकता नहीं है वो, अंदर का बीज से लेंगे कुछ की प्याज, तो थोड़े छोटे, ये साइज भी बड़ा है, थोड़ा इससे भी छोटा रहा तो अच्छा है। तेल एक बार फिर से ठंडा हुआ चाहता था तो मैंने उसको फिर से फुल कर दिया हूँ। कम ज़्यादा तेल को करते रहें जो ज़्यादा अच्छा रहता, ताकि वो जले भी ना और कच्चे भी ना रहे। लास्ट ये बचे हैं तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, इसमें ये मैं डाल दिया। अब गैस को फुल कर दीजिए क्योंकि अब नए आने वाले हैं, आखिरी किस्त है ये, तो इसको मैं छोड़े डालता हूँ, इसको ज़्यादा बड़े नहीं करते हैं इसको। धीरे धीरे एक एक करके आराम आराम से डालिए, एक दूसरे से चिपके ना ये, वरना अगर चिपके तो फिर वो उसी को चिपक जाते हैं तो ज़रा निकालने में मुश्किल होती है। ये देखिए ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। अब मैं इसको पूरा निकाल कर एक आखिरी इसको मैं ले लेता हूँ, तो चलिए ये भी आखिरी, अभी ये प्रोसेस ख़त्म हुआ भजिए पकौड़ों का। अब इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट पकवान में, अगला क्या पकवान होता है, जब मुझे कुछ अच्छा लगेगा खाने के लिए, ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा खाना चाहिए।